सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सीबीआई ने एक स्टेटमेंट इशू किया, लेकिन उसके अलावा जो आज उनकी एक मीटिंग हुई, 2 घंटे तक वो मीटिंग चली, उसमें एक और बहुत बड़ी चीज निकल कर सामने आई है। दरअसल सुशांत मामले में एम्स को अब सीबीआई ने कहा है कि किसी भी हालत में जो है इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो इस हफ्ते सौंप दे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। जो सीएफएसएल टीम है वो मौजूद नहीं है दिल्ली में, वो एक दूसरे केस के लिए जो है बाहर गई हुई है, और ऐसे में सीबीआई जो है इस केस को और डिले नहीं करना चाहती। और आज जो है एक टीम से वो मिली थी जिसमें उनको जो एक बेसिक रिपोर्ट है वो दे दी गई, जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो टीम जिस टीम ने तैयार की है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है सीबीआई ने एम्स से कहा है कि हमें किसी भी हालत में जो है इस हफ्ते में वो रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जांच को आगे बढ़ाना है। वहीं अब सीबीआई ने आज की मीटिंग में ये तय किया है कि जो उनकी जांच का विषय होगा, जो अब ये दूसरे चरण की जांच होगी, वो उन्हें 7 दिन में ख़त्म करनी है, और 13 जून की रात को क्या हुआ उस पर अपना कॉन्सेंट्रेशन करना है कि 13 की रात को क्या हुआ और 8 और 9 को क्या हुआ। तो यानी कि उनके जहन में अब ये 3 डेट्स मेन हैं, जिसमें 8 और 9, यानी कि दिशा जिस दिन रिया घर छोड़ के गई, दिशा की खबर आई, और जो है सुशांत उसे सुनकर परेशान हो गए, और 13 तारीख को क्या क्या हुआ जिसकी वजह से सुशांत परेशान हुए। तो अब सीबीआई को अपनी जांच जो है इन 3 डेट्स के आधार पर फिर से शुरू करनी है, और सीबीआई ने इस बार मन बनाया है कि वो 7 दिन के अंदर जो है अपनी इस जांच को पूरा कर लेगी। और इसीलिए उन्होंने एम्स को कहा है कि हमें जो है किसी भी हालत में इस हफ्ते के एंड में जो है इस हफ्ते तक आप लोगों की रिपोर्ट चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 दिन में जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट इस केस को लेकर सबमिट करना चाहती है, कोर्ट में देना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने एम्स से इस हफ्ते रिपोर्ट मांगी है। 7 दिन उन्हें जांच के लिए चाहिए, और जितनी भी जांच उन्होंने यहाँ पे की थी उसकी एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली है। तो अब जो है 15 से 20 दिन में वो अपनी जाँच को ख़त्म करना चाहती है, 2 डेट 8, 9 और 13 की जाँच करना चाहती है, और साथ में एम्स को कह दिया है कि हमें किसी भी हालत में इस हफ्ते जो है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए होगी।